₹10,000 की बजट है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी कैसे मिलेगा, कौन सा होगा। आज आपके वही सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूं। आगे बढ़ते उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, आपको हेल्प करते रहते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाए कि पर कैटेगरी पर आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होगा। लाइक भी करिएगा, बहुत सपोर्ट मिलता है, और कमेंट करके बताइए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, अंडर 10,000 में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सबसे पहला फोन मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ज्यादा रैम और स्टोरेज के साथ आपको मिलता है, ये है टेक्नो का स्पार्क 9। हमने इसकी अनबॉक्सिंग किया था और ज्यादातर जितने फोन आपको बता रहे हैं ये हम सब टेस्ट कर चुके हैं, हमें ऐसे नहीं बताते। अब ये दोस्तों अमेजोन के ऊपर 9,500 का है, 6GB की रैम, 120GB स्टोरेज, वैसे इसका 464 भी आपको मिल जाएगा, अगर बजट और भी टाइट है तो वह 8,000 के आसपास हो जाएगा। बैंक ऑफर्स भी अलग से लगा हुआ है, इनकेस अगर आपके पास कार्ड है तो प्राइस और भी नीचे इसकी यहां पर आ सकती है। इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है HD+ की, यहां पर IPS डिस्प्ले और 90Hz की आपको हाई रिफ्रेश रेट यहां पर मिल जाती है। उसी के अलावा 13MP रियर, 8MP सेल्फी, 5000mAh की बैटरी और काफी डिसेंट प्रोसेसर है, MediaTek Helio G37। आप इसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल टाइप गेम यहां पर खेल सकते हैं। एंड्रॉइड 12 के साथ में यहां पर आता है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है, बट एक चीज यहां पर ये कि सॉफ्टवेयर इतना इनका खास नहीं होता, थोड़ा वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाउएवर LPDDR4X रैम सपोर्ट, EMCP स्टोरेज का सपोर्ट है, 6GB की रैम दिया है, हमने वीडियो में लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग सब कुछ स्मूथ होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, ये सब कुछ आपको अलग से मिलता है। ओवरऑल एक बढ़िया फोन है, इस प्राइस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए बजट कैटेगरी में, तो ये है मोटोरोला का E40। हमने जब इसकी प्राइस चेक किया था, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, तो ये सिर्फ 9,000 का था। प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, जब हमने चेक किया हम वो प्राइस बता रहे, इस पर भी अगर आप कार्ड ऑफर्स लगा लेते तो और भी इफेक्टिव प्राइस कम हो सकती है। इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच की HD+ की एक पंचोल वाली 90Hz की IPS डिस्प्ले, पंचोल जो डिस्प्ले होता है अक्सर इस प्राइस पर कम मिलता है, बट यहां पर आपको मिल रहा है। 48MP रियर कैमरा है, 8MP सेल्फी कैमरा, इसका मुझे डिसेंट लगा था, हमने इसकी भी अनबॉक्सिंग किया था, आप जाके देख सकते हैं। साथ में आपको इसमें यूनिसॉक T700 वाली चिपसेट मिलती है, जो T610 आया था ये उससे स्लाइटली बेटर है। इनफैक्ट इसमें आप मीडियम टू हाई पर भी गेम्स खेल सकते हैं, हमने टेस्ट करके वीडियो में बताया था। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, IP52 आपको रेटिंग्स मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह दिया गया है और साथ ही साथ स्टॉक एंड्रॉइड है, तो एड्स वेड्स का ज्यादा झोल यहां पर नहीं होगा। हमने हाल ही में ब्रांड से बात भी किया था कि एंड्रॉइड 11 के साथ ही आया था तो क्या एंड्रॉइड 12 आएगा, उन्होंने कहा अभी श्योर नहीं है, बट 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको इस फोन में मिल जाएंगे। बट ये वाला जो फोन है ये और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ये है इन्फिनिक्स का नोट 12। देखिए इसकी भी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जब हमने चेक किया था 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, सिर्फ ₹10,000 दिखा रहा था। अब सबसे बेस्ट चीज आपको इसमें मिलेगी इसका डिस्प्ले, 6.7 इंच की फुल HD+ वाली एक AMOLED डिस्प्ले है। जी हाँ, हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं है बट 180Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट दे दिया है। MediaTek Helio G88 आपको इसमें चिपसेट मिलती है, काफी अच्छी डिसेंट आपको यहाँ पर चिपसेट मिलेगी, 5000mAh की बैटरी और बेस्ट पार्ट ये कि 33W की फास्ट चार्जिंग है, इस प्राइस पर अक्सर नहीं मिलता है। वैसे इसकी प्राइस पहले ज्यादा थी, अब मुझे हो सकता है सेल के दौरान कम दिखी होगी, बट इस प्राइस पर मिलता है ना दोस्तों ये फोन बहुत अच्छा है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह आपको मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है, कैमरा भी इसका 50MP है, 16 की सेल्फी है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से 10,000 के नीचे अगर आपको मिलता है बेस्ट फोन है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन 10,000 रुपीज की कैटेगरी पर, ये है पोको M4 Pro। जी हाँ, 4G फोन है, 6GB की रैम, 64GB स्टोरेज, 11,000 का है, ऑफर पर 10,000 पर मिल जाता है, कार्ड ऑफर्स पर और भी कम हो सकता है। और ये दोस्तों आपको मिलता है MediaTek Helio G96 के साथ, काफी अच्छी चिपसेट है, उस प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। उसी के अलावा आपको उसमें 6.43 इंच की फुल HD+ वाली एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है और 90Hz की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। 10,000 की रेंज में AMOLED के साथ हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, जो आपको इस फोन में देखने को मिल रहा है। उसी के अलावा 64MP रियर कैमरा है, 16MP सेल्फी है, 64MP भी अक्सर इस प्राइस पर ज्यादातर नहीं मिलता है, 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिल रहा है। और इनका वो पोको UI वगैरह चलता है, सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत आपको ब्लोटवेयर एड्स यहां पर दिखाई देंगे और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह भी यहां पर दिया गया। ओवरऑल बेस्ट फोन है, 10,000 तक इसको लेके आइए दोस्तों, या 11,000 पर भी मिलता है मुझे ऐसा लगता है, तो ये बेस्ट फोन है, वैल्यू फॉर मनी है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
और फाइनली हाँ, सैमसंग लवर्स के लिए भी हमने एक फोन ढूंढ कर निकाला है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को सैमसंग के फोन्स चाहिए होते हैं इस प्राइस रेंज पर, तो मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी F13। जी हाँ, M13 भी है बट F13 मुझे थोड़ा ठीक लगा, सेम ऑलमोस्ट है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज 9500 पर आपको मिल रहा है। सैमसंग के फोन्स अक्सर कम प्राइस पर ज्यादा स्टोरेज रैम नहीं देते, इसमें आपको मिल रहा है। और अगर आपने कार्ड ऑफर्स लगा लिए और भी कम प्राइस पर आपको मिल सकता है। इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको एक डिस्प्ले मिलती है और ये गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। यहाँ पर आपको 50 का कैमरा है, रियर में 8 मेगापिक्सल सेल्फी है, 6000 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलती है, 15W चार्जिंग, और साथ में आपको एक्सिनोस 850 वाली चिपसेट मिलती है। जो चिपसेट है दोस्तों डिसेंट है उस प्राइस के हिसाब से, अगर अंडर 10,000 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैमसंग वन UI सॉफ्टवेयर है तो सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी उस प्राइस पर आपको मिल जाएगा। थोड़े ब्लोटवेयर्स रहेंगे क्योंकि बजट फोन में रहता है, बट स्टिल बाकियों से ये बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो सैमसंग का भी एक बढ़िया फोन है अंडर 10,000 जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वो 5 ऐसे जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स थे जो हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी फोन्स हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट ये सारे फोन्स जो मैंने आपको बताया हूं, इनमें वैल्यू है, बहुत सारे फीचर्स आपको दे रहे और उस प्राइस पर आपको मुझे लगता है कि पैसा वसूल जैसा फील जरूर आएगा। सारे फोन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, इंटरेस्टेड तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।